हेलो एवरीवन, लाइव हिंदुस्तान पर बी टाउन की हलचल आपको बताने मैं उत्कर्षा एक बार फिर आ गई हूँ। आज कोई अपनी पोस्ट पर ट्रोल हुआ है तो कोई हनुमान जी से कोरोना से लड़ने की ताकत मांगता नजर आया। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड की टॉप 5 खबरें। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच ज्यादातर लोग घर पर ही कैद हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल भी घर पर ही टाइम पास कर रही हैं। वो सोशल मीडिया पर फैंस को एंटरटेन करने के लिए पोस्ट करती रहती हैं, जिन्हें काफी लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन इस बार उनका एक वीडियो लोगों को कतई पसंद नहीं आया। इस वीडियो में काजोल गुस्से में एक एप्पल उछालती हैं और उसके दो टुकड़े कर देती हैं। सेब के टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। इस पर काजोल के फॉलोअर्स का कहना है कि लोगों के पास खाने को नहीं है और आप लोग ये सब कर रहे हैं। अनुपम खेर को लेकर ट्विटर पर लोगों का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा है। कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की समस्या बनी हुई है। इस बीच अनुपम खेर ने पीएम मोदी को लेकर एक ट्वीट किया है। बस फिर क्या था, वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। ट्रोलिंग की वजह से अनुपम खेर टॉप ट्रेंड में बने हुए हैं। दरअसल कोरोना काल में सरकार पर सवाल उठाने वाले एक ट्वीट के जवाब में अनुपम खेर ने लिखा, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। कोरोना एक विपदा है पूरी दुनिया के लिए। हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। सरकार की आलोचना जरूरी है, उन पे तोहमत लगाइए, पर इससे जूझना हम सबकी जिम्मेदारी है। वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही, जय हो। उनके इस ट्वीट पर लोग तरह तरह के मीम्स और कमेंट्स के जरिए उन्हें ट्रोल करते दिखाई दे रहे हैं। मेरे देश की हालत खराब है, ऐसा कहते हुए प्रियंका चोपड़ा ने भारत में कोरोना महामारी से मची तबाही पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से तुरंत मदद भेजने की अपील की है। प्रियंका चोपड़ा ने ट्विटर पर लिखा, मेरा दिल टूट रहा है, भारत कोविड-19 से तड़प रहा है। प्रियंका ने यूएस प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस चीफ सहित कई लोगों को टैग करते हुए लिखा, एस्ट्राजेनेका पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे देश की हालत खराब है, क्या आप भारत के साथ तुरंत वैक्सीन शेयर कर सकते हैं। आज हनुमान जयंती के मौके पर बॉलीवुड सितारों ने भी पोस्ट के जरिए अपने फैंस को विश किया है। सभी ने कोरोना महामारी से दुनिया को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। इस दौरान एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का एक पोस्ट जबरदस्त सुर्खियों में आ गया। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हाथ में हनुमान चालीसा लिए एक तस्वीर पोस्ट की और इस पोस्ट के साथ लिखा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाही, इस तूफान से लड़ने की हमें ताकत दीजिए, इस कष्ट को सहने की हमें ताकत दीजिए, हमें स्वस्थ होने का आशीर्वाद दीजिए, जय बजरंगबली। इसके अलावा एक्ट्रेस कंगना रनौत, कार्तिक आर्यन, अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स ने भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ही पोस्ट किए हैं। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता फरहान अख्तर हाल ही में अपने एक पोस्ट के कारण ट्रोल्स के निशाने पर आ गए, लेकिन इन ट्रोल्स को फरहान ने शानदार जवाब देकर बोलती बंद कर दी। दरअसल फरहान ने वैक्सीन की कीमतें बढ़ने पर सवाल उठाया था। हाल ही में जब इसकी कीमतें कम करने के लिए सरकार ने कोशिशें की तो फरहान को ट्रोल्स की याद आई और उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, देखो मेरे प्यारे ट्रोल्स, सरकार भी वैक्सीन के दाम घटाने के लिए पूछ रही है, उम्मीद करता हूं कि आप भी उन्हें मेरी ही तरह अर्थव्यवस्था पर लेक्चर देंगे। वहीं ट्रोल्स ने फिर भी फरहान का पीछा नहीं छोड़ा। एक यूजर ने लिखा, तेरे लिए ही किया है वरना कोरोना फैलाएगा। इस पर फरहान भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने तंग आकर ट्रोल का एड्रेस ही मांग लिया। उन्होंने लिखा, पता दे तेरा, मैं नया जोक बुक भेजता हूँ। इसी खबर के साथ बॉलीवुड राउंडअप यहीं तक। जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि कोरोना महामारी के दौरान अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, जो मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही मुमकिन है। तो देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान से। नमस्कार।